नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी फ्यूचर का ऊपर बेस करके एक लाइव वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रांग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। और वीडियो शुरू करने का पहले एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस मार्केट में न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग का थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग LIS ब्रोकर साथ काम करते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफ़ी सारा फैसिलिटीज भी दे रहा है। स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए LIS ब्रोकर का प्लेटफॉर्म और भी अच्छा है। तो और भी डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए मेरा वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, लिंक ओपन करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, आपका बस LIS ब्रोकर की तरफ से फोन चला जाएगा। मन में जो भी डाउट है क्वेरीज आप कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो ही ज्वाइन होइए। तो चलिए देखते हैं आज को निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। आज को 14 तारीख का चार्ट मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, फ्राइडे का चार्ट है। आज को मार्केट ह्यूजली गैप अप हुआ है। तो गैप अप हुआ है कैसे पता चल रहा है, ये अगले दिन का कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू है और ये आज का ओपनिंग कैंडल है। तो यहाँ से देख के ही पता चल रहा है जो आज को मार्केट ह्यूजली गैप अप हुआ है। तो जब भी कभी भी आपको दिखाई दे मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है तो एक चीज़ याद रखिएगा, उस टाइप का मार्केट में थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप हुआ है तो मार्केट का एक टेंडेंसी रहेगा जो रिवर्स बैक करेगा और उसका गैप को फिलअप करने का कोशिश करेगा। तो ऐसा केस में बाइंग अगर करने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। देखिए, सॉफ्टवेयर ने एक बाइंग का कॉल भी दे दिया था, अब इतना गैप अप हुआ है तो सॉफ्टवेयर ने सिग्नल तो देगा ही। अब कंसेप्ट यह है जो क्या ये बाय का कॉल सही है, आज को गैप अप हुआ है तो उस हिसाब से तो इसको मुझे अलग सा थोड़ा अलर्ट होकर देखना है। अदरवाइज नॉर्मली रूल रहता है जो बाइंग का टाइम नीचे का रिबन का कलर को ग्रीन होना चाहिए, जो यहाँ पर ग्रीन था, नीचे का जो लाइन इंडिकेटर है ये व्हाइट का ऊपर होना चाहिए। व्हाइट मतलब मिडिल में आपको एक व्हाइट लाइन दिखाई देगा जिसका वैल्यू देखिए राइट साइड में लिखा है जीरो, मतलब इस व्हाइट लाइन को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, तो इसका ऊपर इस लाइन का मूवमेंट होना चाहिए। और यहाँ पर मिडिल में आपको दो लाइन दिखाई देगा जो ग्रीन होकर ऊपर जा रहा है, तो सारा कंडीशन बिल्कुल मैच था बाइंग के लिए। बट आज को इतना गैप अप हुआ है तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, रूल यही रहेगा जो फर्स्ट जो कैंडल है उसका हाई तोड़ने का बाद या बाय करेंगे। देखिए, मैं फर्स्ट कैंडल का हाई का ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ, ये जो रेड कलर का डॉटेड लाइन आपका सामने ड्रॉ किया हूँ। लॉजिकली अगर गैप अप होता भी है और कॉल कैरी फॉरवर्ड होता है तो ऑब्वियसली फर्स्ट कैंडल का हाई तोड़ने का बाद ही आप उसको कैरी फॉरवर्ड लीजिएगा, अदरवाइज नॉट। तो देखिए, काफी हद तक मार्केट यहाँ पर फ्लैट रखा था, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहे हैं वो नीचे का ये लाइन इंडिकेटर। देखिए, मार्केट जहां पर फ्लैट था वहां पर ये लाइन इंडिकेटर रेड होकर नीचे आ गया और इस लोकेशन पे ये लाइन इंडिकेटर जीरो का नीचे आ गया। तो टाइमिंग क्या था आप देख लीजिए, 10:50 का टाइमिंग चल रहा था उस टाइम, ये लाइन इंडिकेटर नीचे रहे आ जाने का मतलब ही है ये यहीं पर इंडिकेट कर रहे हैं जो मार्केट आगे चल के नीचे गिर सकता है। तो ये इंडिकेटर सबसे प्लस पॉइंट है हम लोग का। अगर आपको ये इंडिकेटर का कंसेप्ट पता चल जाएगा तो आप इजीली मार्केट में कौन सा डायरेक्शन की तरफ मार्केट घूमने वाला है उसका एक आइडिया बहुत पहले ले सकते हैं। तो देखिए, 10:50 पर ये आइडिया आपको दे दिया था जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो नीचे आने वाला है। उसके बाद देखिए, काफी हद तक मार्केट साइडवेज रहा, थोड़ा सा मार्केट उठा भी था, बट यहां पर कोई बाइंग पोजीशन नहीं लेना है। अल्टीमेट देखिए यहां पर बना सेल का कॉल, तो ये एक फ्रेश कॉल है। कितना बजे बना था, 12:55 पे बना था। तो जब भी कोई सिग्नल बनेगा आपका स्क्रीन का ऊपर ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बॉक्स का अंदर उसका डिटेल लिख के आया है जो कौन सा वैल्यू में कॉल दिया था, उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। अभी जो सिग्नल बना है यहाँ पर क्या क्या कंडीशन देखना है, जब भी कोई फ्रेश कॉल बनेगा तो सेलिंग का टाइम नीचे का रिबन का कलर रेड है, तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन। सेल का कॉल के साथ एक स्टार बना है और ये जो लाइन इंडिकेटर है ये तो बहुत पहले आपको बता दिया जो मार्केट नीचे आने वाला है, तो ये कंसेप्ट है। और आज को मार्केट गैप अप हुआ है तो वो भी एक कंसेप्ट है जो मार्केट नीचे लाना था, तो उस हिसाब से ये जो सेल का कॉल बना हम लोग का कितना बजे देख लेते हैं, 12:55 पे, तो दिस इज ए परफेक्ट कॉल। यहाँ पर सारा कंडीशन मैच था, सारा कंडीशन में तीन कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, एक है स्टार को देखना है, नीचे का रिबन को देखना है और ये लाइन का मूवमेंट व्हाइट का नीचे होना है। भले उसका कलर कुछ भी हो, ऑब्वियसली ग्रीन मतलब बायर्स बढ़ रहा है, रेड मतलब सेलर्स बढ़ रहा है, बट व्हाइट लाइन का नीचे रहने का मतलब है आप सेलिंग पे ही है। तो 12:55 पे जो सेल का कॉल बना था कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट कॉल था। ऑलरेडी देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट अचीव हो गया है,
थर्ड टारगेट अचीव अभी तक नहीं हुआ है, ये लाइव अपडेट होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, 17,214 का भी लाइव रेट चल रहा है। बॉक्स के अंदर देखेंगे 98 पॉइंट का आप अभी प्रॉफिट में है, देखिए 102 हो गया, 100 पॉइंट का निफ्टी प्रॉफिट दे रहा है। तो निफ्टी 100 पॉइंट प्रॉफिट मतलब मोर देन इनफ है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 40-50 पॉइंट उसका बाद ही निकल जाते हैं। अब यहां पर आप कब तक वेट करेंगे, देखिए नीचे का रिबन अभी भी रेड है, मिडिल में आपको दो पिंक लाइन दिखाई दे रहा है जो अभी भी पिंक है, और नीचे का जो लाइन इंडिकेटर है इसका कलर रेड भी है और ये व्हाइट का नीचे भी है। तो जब तक ये लाइन व्हाइट का ऊपर नहीं जाता या फिर नीचे का जो रिबन है वो रेड से ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होता या फिर मिडिल का दो लाइन जो पिंक चल रहा है वो पिंक से ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक आप पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना पोजीशन कहीं पर भी छोड़ सकते हैं। तो ये था आपका कंसेप्ट, मार्केट चाहे साइडवेज हो या ट्रेंडी हो कोई भी मार्केट में ये आपको एक अच्छा रिजल्ट देखे जाएगा। मेन चीज होता है साइडवेज मार्केट से बचना, जैसा सुबह को मार्केट काफी देर तक साइडवेज रहा, लगभग 1 बजे का बाद मार्केट में मूवमेंट हुआ है वो भी डाउन ट्रेंड, तो आपको पेशेंस रखना है सही वक्त के लिए, जब तक कोई अच्छा मौका नहीं मिलेगा ट्रेड नहीं करना है। ट्रेडिंग का मतलब ही होता है अपॉर्चुनिटी, अगर अपॉर्चुनिटी है तो ट्रेड करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। तो कंसेप्ट कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ये जो सॉफ्टवेयर आप फ्यूचर में देख रहे हैं ये फ्यूचर में भी जैसा काम करेगा, ऑप्शन में भी आप इसको देखते हुए काम कर सकते हैं। जैसा मार्केट गिर रहा है तो आप आराम से यहाँ पर ऑप्शन में पुट बाय कर सकते हैं अगर आप बाय करते हैं तो कैसा लगा जरूर बोलिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।